नमस्कार दोस्तों, लॉर्ड मनींगर यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं CFA लेवल 1 के एग्जाम के बारे में। मैंने इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर किया और मुझे यहाँ पे 90% के ऊपर स्कोर कैसे मिला था। 90% मतलब आई डिड बेटर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टुक द एग्जाम। अब देखो, CFA लेवल 1 एग्जाम की बात आती है तो ये एग्जाम फुली MCQ बेस्ड एग्जाम होता है। मतलब यहाँ पे आपको 135 मिनट्स के दो सेशंस अटेंड करने होते हैं, बीच में 15 मिनट का ब्रेक दिया जाता है और इन दो सेशंस में आपको 90+90 ऐसे 180 MCQs का टोटल अटेम्प्ट करना पड़ता है। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती एंड ऐसा बोलते हैं कि ऑन एन एवरेज यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट ईच MCQ इन 90 सेकंड्स और लेस, फिर ही आपकी पूरी एग्जाम इन 4.5 आवर्स के अंडर खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में और उनके वेटेज। अब सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है एथिक्स। यहाँ पर सिंपली ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि अगर आपका एक क्लाइंट है वो आपसे ऐसा कहता है तो आप कैसे एक्ट करोगे, या आपको अपने एम्प्लॉयर और क्लाइंट के बीच में चूज करना है तो आप कैसी चॉइस करोगे। बेसिकली ऐसे सारे सवाल जो आपके कैरेक्टर को जज करते हैं। एंड नोट दैट इवन दो CFA एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, CFA एग्जाम में एथिकल एडजस्टमेंट नाम की एक चीज होती है। मतलब अगर आपने एग्जाम में बहुत अच्छा किया लेकिन आप जस्ट पास हो रहे हो लेकिन आपने एथिक्स में अच्छा स्कोर नहीं किया तो आपको फेल किया जा सकता है। इसका उल्टा भी होता है, अगर आप जस्ट फेल हो रहे हो एंड आपने एथिक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एग्जाम में पास किया जाता है। एथिक्स का वेटेज 15-20% होता है ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। फिर आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स, दिस मेक्स अप 8-12% ऑफ द एग्जाम, दिस इज फुली मैथ्स। लेकिन यहाँ पे सम्स करने से ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो सारे मैथ्स के प्रिंसिपल्स है ये फाइनेंस में कैसे अप्लाई होते हैं। दिस डजेंट मीन यहाँ पे सम्स नहीं है, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ सम्स, फॉर्मूला भी बहुत होते हैं। और एक रीजन है टू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन इज दैट बहुत सारे CFA के कॉन्सेप्ट्स है जो क्वांटिटेटिव मेथड से कनेक्टेड है, तो अगर आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझा देर इज अ गुड चांस आपको आगे भी कुछ नहीं समझेगा। फिर बात आती है तीसरे सब्जेक्ट की जो है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर भी 8-12% का वेटेज होता है एंड इन माई ओपिनियन दिस इज द मोस्ट थियोरेटिकल एंड मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के कुछ की कॉन्सेप्ट समझ जाओगे यू आर गुड टू गो। इकोनॉमिक्स के सेक्शन में भी थोड़े सम्स होते हैं लेकिन अगेन दीज आर वेरी इजी, आपको सिर्फ फॉर्मूला दिमाग में याद रखना है। फिर आता है फोर्थ और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मतलब कंपनीज जब अपनी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट पब्लिक को रिलीज करती है तो आपने इन स्टेटमेंट्स को कितना अच्छे से समझा है ये चीज ये सेक्शन टेस्ट करता है। यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट भी सिखाई जाती है, मतलब अगर दो कंपनीज है उनकी स्टेटमेंट इतनी कंपेरेबल नहीं है तो उसमें कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं उनको कंपेरेबल बनाने। दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन माई ओपिनियन, इसकी वेटेज 13-17% होती है। ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपको लेवल 1 में यहाँ पे ज्यादा चीजें नहीं समझी तो आपकी लेवल 2 और लेवल 3 की जर्नी और डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर बात आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे लोगों के पैसे कैसे मैनेज किए जाते हैं और हैंडल किए जाते हैं इसकी बात होती है। अलग अलग मॉडल्स कैसे यूज किए जाते हैं, रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर कवर्ड है। इसका वेटेज 8-12% है लेकिन इसको बिल्कुल लाइटली मत लीजिए क्योंकि लेवल 2 और लेवल 3 में इसका वेटेज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट इट्स ऑल अबाउट द स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इसकी वेटेज 10-12% रहती है। अगेन इसका भी वेटेज लेवल 2 लेवल 3 में बहुत ज्यादा हो जाता है, इसको इग्नोर मत कीजिए। फिर बात आती है फिक्स्ड इनकम की, जो बॉन्ड मार्केट की बात करता है इसकी वेटेज 10-12% होती है। दिस इज अ वेरी इजी लाइट रीडिंग इन लेवल 1। यहां पर भी बहुत सारे सम्स होते हैं, अगर आपको ये सम्स अंडरस्टैंड हो गए तो आप ये सेक्शन इजीली बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द लास्ट 2 सब्जेक्ट्स जो है डेरिवेटिव्स यानी के फ्यूचर्स ऑप्शंस, इसकी वेटेज 5-8% होती है। एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इसकी वेटेज भी 5-8% होती है। यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें नहीं है पढ़ने के लिए लेवल 1 में तो आप इसको लास्ट के लिए रख सकते हैं। अब बात आती है स्टडी प्लान की, मैंने लेवल 1 के लिए कैसे प्रिपेयर किया, मैंने कौन से सब्जेक्ट्स पहले किए, मैंने कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ किया, हर एक चीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो सब्जेक्ट्स की बात आती है तो मैंने रियलाइज़ कर दिया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है उसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एनालिसिस भी बोलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे हैवी रीडिंग है। इसीलिए मैंने शुरू में क्वांटिटेटिव और इसको साथ में पढ़ा था बिकॉज इनकी वेटेज भी ज़्यादा है और ये टेक्निकली हैवी सब्जेक्ट्स है। फिर बात आती है प्रेपरेशन की, मैंने कहाँ से प्रिपेयर किया। देखिए एक पब्लिशर है कॉल्ड कैपलान श्वेजर, ये हर एक लेवल की एक सेट बनाता है जिसमें वो 10 सब्जेक्ट्स के आपको रीडिंग देता है, उसके साथ प्रैक्टिस एग्जाम्स भी देता है। तो मैंने ये सारे रीडिंग्स किए, उन रीडिंग्स के क्वेश्चंस को सॉल्व किया
और ये प्रैक्टिस एग्जाम भी सारी खत्म की एंड दैट वॉज मोर देन इनफ टू बिगिन विथ। इतने प्रेपरेशन के बाद जब मैंने सी एफ ए इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की हुई मॉक एग्जाम सॉल्व की, उन एग्जाम्स में मैं सिर्फ जस्ट पास हो रहा था। इसके अलावा YouTube पर आपको एक फ्री रिसोर्स मिलेगी बाय अ पर्सन कॉल्ड मार्क मेल्ड्रम। ये आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 इसका फ्री कंटेंट बहुत सारा प्रोवाइड करता है। ये कंटेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक चीज़ बहुत सिंपल वे में समझाते हैं, तो आपको जो सारे डाउट्स हैं वो इनके वीडियो देख के इजीली क्लियर हो जाएंगे। इनका यूट्यूब पे जो फ्री कंटेंट है दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर लेवल 1, लेकिन ये पेड सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर भी आपको हर लेवल की प्रेपरेशन मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू द कोचिंग इन इंडिया। अगर आप इंडिया में कोचिंग लेते हो तो रफली 1 से 1.5 लाख रुपए की फ़ी बनती है, लेकिन प्रोफेसर मार्क के जो सारे कोर्सेज है वो रफली 20 से 30 हज़ार के नीचे आ जाते हैं पर लेवल। अगर आप मेरी राय पूछोगे तो आई वुड से लेवल 1 के लिए द फ्री कॉन्टेंट इज़ मोर देन इनफ। यहाँ पर आपकी सारी प्रेपरेशन एक और बार अच्छे से हो जाएगी एंड यू विल बी एबल टू स्कोर मच हायर इन देयर प्रैक्टिस एग्जाम्स। सिर्फ यही नहीं, लेकिन मैंने CFA इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की गई प्रैक्टिस एग्जाम्स भी सॉल्व की थी। CFA इंस्टीट्यूट उनके डैशबोर्ड पे आपको 1 से 2 एग्जाम्स फ्री में प्रोवाइड करता है, वो एग्जाम्स भी आप सॉल्व करके देख सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। इसके अलावा CFA इंस्टीट्यूट हर एक सब्जेक्ट के लिए भी MCQ प्रोवाइड करते हैं उनके एग्जाम पे, लेकिन इनका जो पूरा प्लेटफॉर्म था वो मुझे इतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगा था क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट्स की एक ऑर्डर इन्होंने प्रोवाइड की थी। अगर मुझे MCQ सॉल्व करने थे तो आई हैड टू गो इन दैट ऑर्डर, ये चीज़ मुझे जमी नहीं थी, तो उनके MCQs मैंने सॉल्व नहीं किए। द रीज़न बीइंग कैपलान श्वेजर के जो बुक्स है उसके MCQs एग्जैक्टली सेम होते हैं लाइक द CFA एग्जाम। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत से ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो पास CFA एग्जाम्स में आए थे, सो आई वुड से दैट इज मोर देन नाउ। अब बात आती है पढ़ाई कितने देर करनी चाहिए। देखो CFA इंस्टीट्यूट और बहुत से ऐसे सोर्सेज बोलते हैं कि 300 आवर्स इज द एवरेज अमाउंट यू नीड टू स्टडी टू पास द लेवल 1 एग्जाम, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बताऊं आई स्टडीड क्लोज टू 200 आवर्स एंड दैट वाज मोर देन इनफ। इन द एंड इट डिपेंड्स कि आपकी सब्जेक्ट में अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आप कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे हो। अब सरप्राइजिंगली वो सारे सब्जेक्ट्स जहाँ पे सम्स करने होते हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छे गए, विच इज़ वाई आई वॉज एबल टू स्टडी इन अ शॉर्टर अमाउंट ऑफ टाइम। नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ यू प्रिपेयर आपका टाइम कम ज़्यादा वेरी हो सकता है। आई वुड सजेस्ट ये चीज़ दिमाग में मत रखना, 300 घंटे का टारगेट रखो और फिर ही प्रिपरेशन चालू करना। अगर आप ये वीडियो पहले देख रहे हैं और आपने मेरी CFA कोर्स और CA वर्सेस CFA कंपैरिजन वाली वीडियो नहीं देखी तो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए, आप जाके वो भी देख सकते हैं बिफोर यू वांट टू डिसाइड इफ यू वांट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। वीडियो खत्म करने से पहले एक वार्निंग दे देना चाहता हूं, अगर आपने कॉलेज एग्जाम में कभी भी कॉपी की है तो प्लीज CFA एग्जाम में करने की सोचना भी मत, इट इज इम्पॉसिबल। एक एग्जाम हॉल में 4 से 5 इन्विजिलेटर रहते हैं, आप पकड़े जाओगे 100%। और अगर आप पकड़े गए तो आप जिंदगी में कभी CFA एग्जाम के लिए अपीयर नहीं कर पाओगे, आपका करियर जो है फाइनेंस में वो खत्म हो जाएगा। सो प्लीज आई बेग यू, सोचना भी मत। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो ऑन द CFA लेवल 1 एग्जाम। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए सो दैट मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोज लाता रह सकूं। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सी यू अराउंड।